देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना देखिए, राजस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था और इस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचार किए गए। जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी तब सरकारी विद्यालयों में 75% नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा, ऐसी प्रेरणा के साथ में उनको लैपटॉप वितरित किए जाते थे और ये लगभग 5 वर्ष तक दिए गए। और जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लैपटॉप को उन्होंने बदल दिया, लैपटॉप को उन्होंने टैबलेट बना दिया कि अब हम टैबलेट देंगे, लैपटॉप नहीं देंगे। पिछले 4 सालों से लैपटॉप नहीं दिए गए। पहले शिक्षा विभाग ही ये कार्य करता था, अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ये कार्य किए जाने की बात कही जा रही है। पर मुझे लगता है कि इस सरकार के 4.5 वर्ष निकल गए और अब वो कौन सा लैपटॉप बांटेंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वर्ष 2022 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सभी महिलाओं को एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध कराएंगे। तो टैबलेट तो जो है फ़ोन में कन्वर्ट होंगे, लैपटॉप चूँकि टैबलेट में कन्वर्ट हो गए, अब टैबलेट फ़ोन में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे या जीरो हो जाएंगे ये पता नहीं। पर ये सरकार घोषणाएँ बहुत करती है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है और ये उसका एक जीता जागता नमूना है। बिल्कुल, ये देखिए, ये राज्य सरकार को बजट में से देना था लेकिन राज्य सरकार अपने बजट का पैसा खर्च नहीं करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सोर्सेज हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आय है, जो वो अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित करती है, उस आय में से देने की बात की जा रही है। तो ये सरासर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ अन्याय है, उनके कर्मचारियों के साथ अन्याय है। मुझे लगता है कि कर्मचारियों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये राज्य मद से होना चाहिए, ना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मद से। सर, आज अजमेर मंडल के सभी स्टेशनों पर आबू रोड, मदार, विजयनगर, तो जितने भी स्टेशन्स हैं सभी स्टेशनों पर ऑडियो वीडियो सिस्टम के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात का प्रचार किया गया, ताकि वहां पर रहने वाले सभी रेल कर्मचारी, वहां पर आने वाले जितने रेलवे पैसेंजर्स हैं, कुलीज हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो सभी उनकी बात सुन पाए और उनसे लाभान्वित हो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का 100वां एपिसोड था और मुझे लगता है कि मन की बात अब इस देश की जनता के मन की बात हो गई। जिस तरह से समाज में सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करते हैं, उन कामों को देश की अन्य जनता के सामने लाने का काम मोदी जी ने प्रारंभ किया, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे स्वच्छता आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग हों, इन सब तरह के लोग जो काम करते हैं उन कामों में किस प्रकार लोगों की सहभागिता बढ़े, ये मोदी जी के मन की बात से समझ में आने लगा और धीरे धीरे लोग जुड़ने लग गए। अब हर रविवार को, महीने के अंत के रविवार को लोग इंतज़ार करते हैं कि मोदी जी की मन की बात आएगी, और मुझे लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री को जनता से सीधा जुड़े रहने के लिए इस प्रकार का जो कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया, ये कार्यक्रम अनवरत चलता जाएगा और मुझे तो लगता है हम 150वीं मन की बात भी सुनेंगे और 200वीं भी सुनेंगे। आने वाला समय इस तरफ हमको ले जा रहा है, देश की जनता जिस तरह मोदी जी के साथ जुड़ रही है।